हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इस्लाम टू टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम टू टेक, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ लाल वाला बटन जो सब्सक्राइब के नाम से दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाजू में ही आपको एक घंटे का ऑप्शन दिखाई देगा बेल आइकन, तो उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मोबाइल के थ्रू और मेल के थ्रू आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक जो है वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 3 में बताया था म्यूजिक ऑप्शन के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट और क्रेडिट के बारे में। तो दोस्तों, टेक्स्ट और क्रेडिट वो ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप जो है आपके वीडियो में कुछ भी नाम लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या फिर वीडियो चलते समय कुछ भी आप नाम देना चाहते हैं या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वीडियो में बीच बीच में, तो आप इसकी मदद से जो है लिख सकते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, स्टार्टिंग पहले किस तरीके से करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो मीडिया पे आ गया मैं। जैसे हम मीडिया में आएंगे, जो भी वीडियो हमारे पास है उसको हम अपलोड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी 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 मान लो कि आप टेक्स्ट रखना चाहते हो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन जो है हमें दिखाई देंगे, तो ऑल डिज़ाइंस यहाँ है। एक एक डिज़ाइन बेसिक में इस तरीके के, तो स्पेशल ओकेशन में इस तरीके के दिए गए, तो सभी ये सभी डिज़ाइन जो है आप एक ही जगह देख सकते हैं आल पे क्लिक करके। तो देखिए, बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन जो है आप डाउनलोड करना पड़ते हैं और थोड़े जो है इनबिल्ट मिलते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक जैसे आप करेंगे वो यहाँ प्ले होके आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये थोड़ा अच्छा है, तो इसको मैं अप्ले कर देता हूँ। राइट क्लिक दिया, अप्ले कर दिया, ठीक है, अप्ले हो गया। और इस टेक्स्ट को हम एडिट कर देंगे। करने के लिए जो है दोस्तों, इसके ऊपर डबल क्लिक देना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो आप इस नाम को हटा दीजिए और आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद हम इस पे आएंगे और फिर से प्ले करके देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, ठीक हो गया। और नीचे जो डेट दिया है उसका भी कुछ करना चाहिए। तो डेट पे क्लिक किया मैंने इधर वीडियो पे, तो इधर डेट आ गया, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद ओके कर दिया मैंने। अभी देखिए दोस्तों, प्ले करके देखते हैं। जी हाँ, बढ़िया है, हो गया। और अभी हम अपने वीडियो को इसके थ्रू ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इसको ऐड टू प्रोजेक्ट कर देंगे तो वीडियो जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो वीडियो के ऊपर जो है ये नाम चलेगा, वीडियो से पहले नहीं चलेगा, वीडियो के ऊपर चलेगा नाम। तो देखिए, हो गया, इस तरीके से चल रहा है, हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस वीडियो को इस तरह से ड्रैग करते हुए लेके आके हम टेक्स्ट के बाजू इस तरीके से रख देंगे। अगर आप वीडियो के ट्रे में इसको डालेंगे तो इसको इधर से उधर हटा नहीं सकेंगे, इसलिए हमने इमेज के ट्रे में इसको डाला है ताकि हम जैसे चाहिए उस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकें। और अभी देखिए, पहले टेक्स्ट प्ले होगा, ठीक है। टेक्स्ट प्ले होने के बाद जो है वीडियो शुरू होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इस्लाम टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ठीक है, तो हो गया। तो इस तरीके से जो है हम स्टार्टिंग में अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बीच में कहीं वेर भी ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो जो टेक्स्ट आपको चाहिए आप उसको ऐड कर सकते हैं इजीली। तो लेके आते हैं यहाँ, तो इस टेक्स्ट को भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है।
हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर जो है टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो इधर देख सकते हैं आप टेक्स्ट। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर कहाँ जहाँ चाहिए आपको वहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन आपको आ जाएगा। बोल्ड रखने के लिए बोल्ड पे क्लिक करना है, इटैलिक बनाने के इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा, और लेफ्ट साइड इसको घुमाने के लिए लेफ्ट साइड करना है, मिडिल में रखने के लिए मिडिल, और राइट में लाने के लिए राइट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके इसका जो स्टाइल होता है फॉन्ट स्टाइल, उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ देखिए ये सभी फॉन्ट स्टाइल है दोस्तों, तो आप इस पर क्लिक करके भी अपने टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, फिर हम इसको भी चेंज आगे या पीछे कर सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए अभी टेक्स्ट बड़ा हो गया, आप समझ लो टेक्स्ट बड़ा हो गया कि डिज़ाइन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको इस तरीके से जो है बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए आसानी से हो जा रहा, तो ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं इधर। तो इस तरीके से जो है हम जैसे चाहिए आपकी मर्जी के मुताबिक आप इसको हटा सकते बना सकते हैं। तो हो गया, बन गया। और अगर इस टेक्स्ट के साइज़ को आप कम करना चाहते हैं तो देखिए इस टेक्स्ट के साइज़ को भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। और इसको और डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ देखिए डिज़ाइन दिए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर और डिज़ाइन जो है चेंज हो जाएगा। और देखिए और इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से इसका जो है बहुत फ़ायदा हम उठा सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक से इसको कलर जो है चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए हम इसके साथ कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। तो टेक्स्ट को जो है हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, तो देखिए एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, ताकि वीडियो प्ले होते समय बीच बीच में अपना जो टेक्स्ट है दिखाई देता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल टेक्स्ट के बारे में, वंडरशेयर फिल्मोरा में जो टेक्स्ट ऑप्शन है तो उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लेकर कोई डाउट है या सुझाव है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।